तो बाजी के हवाले हम 15,000 की रकम करने लगे हैं और फिर इनके साथ मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। बाजी 15,000 रुपये आप गिन लें। जी भाई जी, कितने पैसे आपने वसूल कर लिए? 15,000। जो उमर भाई ने 15,000 की रकम भेजी आपने वसूल कर ली जी? जी। अच्छा अच्छा जी, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रताज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रताज हुसैन। और नाज़रीन, इस वक्त मैं भावलपुर का ये इलाका है, सांवला बस्ती इसको बोलते हैं, यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आज से एक साल पहले भी हम यहाँ पर आए थे और उस वक्त हमारे यहाँ पर जो भाई थे, इनके शौहर थे, जो कि अब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, वो गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे और काफ़ी उनकी ख़राब हालत थी। और उस वक्त भी हमने जो अल्लाह ताला ने इनके लिए रिस्क भेजा था वो इन तक पहुंचाया था। अब वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और छोटे छोटे जो पीछे यतीम बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं भाई आपके? 3 बच्चे हैं, वो यहाँ पर अब रह गए हैं अल्लाह ताला के, यानी कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत कर फरमाएगा। 2 बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं, 1 बच्ची अभी मौजूद है, बाकी बाजी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मरहूम जो भाई थे उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और इन बाजी के लिए इंग्लैंड से हमारे भाई उमर भाई ने इनके लिए 15,000 की रकम भेजी है, जो हम इन बाजी के हवाले करेंगे। और आप लोगों से भी हम दरख्वास्त करेंगे कि आएँ और हमारे इस नेक काम में हिस्सा डालें और ऐसे लोगों की मदद करें। अल्लाह ताला ने जो आपको माल अता किया है और अल्लाह ताला ने उसमें जो हिस्सा मुकर्रर किया है ऐसे लोगों का, उस हिस्से को अदा करें और ऐसे गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए मदद करें और अपने माल को भी पाक करें, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है कि अपने माल में से अल्लाह की राह में सदका, खैरात और ज़कात जो है वो निकाला करें, जो ऐसे लोगों का हक है। तो बाजी के हवाले हम 15,000 की रकम करने लगे हैं और फिर इनके साथ मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। बाजी 15,000 रुपये आप गिन लें। जी भाई जी, कितने पैसे आपने वसूल कर लिए? 15,000। जो उमर भाई ने 15,000 की रकम भेजी आपने वसूल कर ली जी? जी। अच्छा चलें जी, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान फरमाए। बाजी, अब बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? वो मदरसे जाते हैं। अच्छा, मदरसे जाते हैं, स्कूल नहीं पढ़ते। ये बच्ची स्कूल पढ़ती है? ये भी मदरसे जाती है। अच्छा, ये भी मदरसे जाती है। चलें जी, तो अब आपका कुछ जरिया आमदन है? उस वक्त तो भाई कहते थे होटल पर काम करते थे, लेकिन वो भी छोड़ दिया था। हो जाता है गुजारा। अच्छा अच्छा, तो कोई जरिया आमदन कोई खास नहीं है? नहीं। अच्छा चलें जी, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए जी। और जी भाई जी, बहुत बहुत दे अल्लाह ताला उनको। आमीन जी, अल्लाह ताला जी आपकी दुआ कबूल फरमाए जी और आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए। और इसके साथ ही नाज़रीन, आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे, फिर इंशाल्लाह किसी और ऐसे ही फलाई काम पे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।